हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज रूप्स ब्यूटी हब। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है पर्पल हॉल। मैंने पर्पल हिल में क्या क्या मंगाया वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज ट्राई करने वाली हूँ। तो आप लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहते होंगे, आपके विशलिस्ट में होंगे, जिसको आप बहुत टाइम से बाय करना चाहते होंगे, बट आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो डोंट वरी, मैं आ गई हूँ लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, मैं बता दूं कि ये लुक आपको मेरा कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें मैं आपको ये लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी, और वो वीडियो बहुत अच्छी है, आपके बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उसे जाके प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है पर्पल का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो लोग कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपके सामने ही इसे ओपन करूंगी, बट मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैंने इसको खोला। बट मैंने प्रोडक्ट्स अभी मतलब मैंने ओपन कर लिए हैं, प्रोडक्ट्स पूरे काउंट कर लिए थे कि पूरे हैं कि नहीं है, बट मैंने अभी कोई भी प्रोडक्ट खोल के नहीं देखा है, मैंने किसी को चेक नहीं किया, तो वो मैं आपके सामने ही करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वो टोटल सामान गाइस, और आप ना ये लोग पर्पल वाले बहुत ही अच्छे से बबल रैप करके पूरे सारे भी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन्होंने सब बबल रैप करके दिए हैं मुझे, जिससे कि आपके कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे, कोई भी टूटने का डर नहीं रहता। खाली ये प्रोडक्ट है जो उन्होंने बबल रैप नहीं किया, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी है तो इसको बबल रैप करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, ये है एल्प गुडनेस का स्विस लव मुल्तानी मिट्टी पाउडर। तो बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कि एक मुल्तानी मिट्टी मंगा के रख ही लेती हूँ, तो ये 250 ग्राम है गाइस, और इसका प्राइस 100 रुपीज है, बट मुझे डिस्काउंट करके ये 89 या 85 का मिल गया है। तो मैं स्क्रीन पे आपको इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी, मुझे इतना याद नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये था। एंड सेकेंड प्रोडक्ट, जैसा कि अभी आपने मेरी रिसेंट की वीडियो देखी होगी, मेरा सेकेंड प्रोडक्ट गाइस मामा अर्थ उबटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रन। तो इसकी MRP है 249। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस, तो 249 इसकी MRP है, 100 ml है ये, 249 की MRP है। मुझे इसमें डिस्काउंट मिला होगा तो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बाकी इस पे ये था बाय टू गेट वन फ्री, कुछ ऐसा ऑफर चल रहा था, बट मेरे को अभी सिर्फ इसी की जरूरत थी तो मैंने यही ऑर्डर किया। सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये था, एंड थर्ड प्रोडक्ट मेरा फाउंडेशन। तो ये मेबलिन का सुपर एसडी 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, मेरा खत्म हुआ था तो मैंने दोबारा से इसको ऑर्डर किया। तो ये तो मेबलिन के प्रोडक्ट्स तो मुझे आपको पता ही है कि मुझे बहुत पसंद है। तो थर्ड प्रोडक्ट मेरा ये था गाइस, इसकी MRP 750 रुपीज है, 30 ml में है, ये 30 ml आता है इसका नेट वेट, एंड मुझको ये कुछ अराउंड 600 समथिंग पड़ा था। इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा है, इस पंप इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है पंप वाले में, और लिक्विड करके है ये, देखिए लिक्विड बेस फाउंडेशन। आप लोग कोशिश करिए कि हमेशा ऐसा ही फाउंडेशन खरीदिए गाइस, क्योंकि ना जो स्टिक वाले फाउंडेशन होते हैं ना, मुझको पता नहीं क्यों मुझको वो नहीं पसंद है, मुझे ज्यादा मतलब लिक्विड फाउंडेशन में ज्यादा रिकमेंड करती हूँ।
इस तरीके का देखिए गाइस। देखिए आप डिफरेंस देख रहे हैं आप, सी सिर्फ इतने में ये इतनी कवरेज देता है गाइस आपको। तो अगर आप बहुत टाइम से कोई बहुत अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आंख बंद करके ये ले लीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा है, हाईली हाईली रिकमेंडेड ये वाला मैं फाउंडेशन आपको बोलूंगी। आप बिना कुछ सोचे ये फाउंडेशन आप मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट। एंड अब हम आते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट पे, तो जो कि है अगेन मेबलिन। इसको तो आपने कई बार देखा होगा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में। ये मेबलिन का मस्कारा है जो कि मेरा खत्म हुआ था तो मैंने इसको ऑर्डर किया। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, जिसकी MRP 335 है और नेट कंटेंट 9.2 ml है ये। तो ये भी मस्कारा बहुत अच्छा है गाइस, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी कवरेज देता है आंखों पे। आई लैशेस को आप लगाएंगे तो आपको बहुत, अभी भी मैंने यही वाला लगा के रखा है, आप देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड कितने हो गए, 3 नहीं 4। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ प्रोडक्ट पे, जो कि आपने ये भी देखा ही होगा, ये मेरा खत्म हुआ था और अभी इस पे कुछ 15% डिस्काउंट था शायद, तो मैंने मंगवा लिया, अभी था मेरे पास बट मैंने एक और ऑर्डर कर दिया। तो ये है मेरा गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंस ग्लो फेस सीरम, 10 ml इसकी क्वांटिटी है एंड 215 इसका MR 215 इसका प्राइस है और ये मुझको शायद 168 समथिंग मिला है। इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे गाइस। ये मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, बहुत टाइम से ये प्रोडक्ट मेरी विशलिस्ट में था बहुत टाइम से और इस पे मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। ये शुगर का है, ये मुझे ऑन MRP मिला है, 799 इसकी MRP थी और मुझे 799 में ही ये मिला है। मैं बहुत टाइम से इसको लेना चाहती थी, मैंने इसके बहुत रिव्यूज एंड बहुत सारी इसकी तारीफें सुनी हैं तो मेरे को बहुत टाइम से इसको मंगवाना था। बट ये गाइस 799 में भी अगर ये है ना तो ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें आपको एक साथ 3 चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको कॉन्टोर मिल जाता है, हाइलाइटर मिल जाता है एंड ब्लशर मिल जाता है। तो मुझे ब्लशर लेना था, मुझे कॉन्टोर लेना था, तो हाइलाइटर मेरे पास है बट मेरे पास ये दोनों नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही ऑर्डर कर दें। अलग अलग 2 प्रोडक्ट मंगाने से अच्छा साथ में मुझे हाइलाइटर मिल गया। तो इसको मैं आपको इसकी स्वॉचेस दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको हाइलाइटर दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो ब्लशर है ना, एकदम सटल लुक देगा आपके फेस पे बहुत। ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन देखिए आप, दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये वो प्रोडक्ट है गाइस जो बहुत टाइम से मैं लेना चाहती थी, फाइनली मैंने ले लिया, आई एम सो हैप्पी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं एक अच्छा और एक, मेरे ख्याल से ये वर्थ बाई है। 799 इसमें कोई भी मतलब इस महंगा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर का है, सेकंड क्या बोलते हैं कि आपको एक ही प्रोडक्ट में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अगर अलग अलग भी लेंगे तो मुझे लगता है आपको 799 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप तीनों एक साथ लेके 79,800 पे करके आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ये था मेरा प्रोडक्ट एंड उसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है NYBAE की, शायद ये काजल है, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया गाइस। ये ग्रीन, मैंने मेरे को बहुत टाइम से ग्रीन लाइनर लेना था, काजल लाइनर, इससे इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और ये भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला। मेरे ख्याल से
हाँ 85 इसकी एमआरपी है, 2.5 ग्राम का है ये, और मुझे ये सर 65 का ही मिला था, इस पर भी डिस्काउंट था। NYB ने अपने बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं गाइस, आप प्लीज चेकआउट करें जाके, मैंने खोला भी नहीं है इसको अभी। इस तरीके से है ये, वेरी स्मूथ यार, बट मैंने ये कलर एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझको मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा डार्क शेड रहेगा, बट ये लाइट है। मेरे को एकदम डार्क ग्रीन चाहिए था, क्योंकि मेरे को आई लुक क्रिएट करना था एक ग्रीन कलर, ग्रीन शेड में, बट ठीक है 65 में कोई बात नहीं, बट मुझे ये शेड नहीं चाहिए था। ओके ओके प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये, जो कि है पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये स्विस ब्यूटी का है गाइस, इसको भी मैं बहुत टाइम से मंगवाना चाहती थी, मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, बहुत इसके बारे में सुना है कि बहुत ही अच्छा सटल ग्लो देता है फेस पे इसको बेस लगाते। देखिए कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये। और गाइस आप जानते होंगे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो है ना, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिस हिसाब से उन लोगों ने अपनी रेंज रखी है उस हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मैं आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। वाह यार, ये देखिए, मतलब आपको अपने, मैंने इसको अभी यूज नहीं किया है, मैं भी इसको आपको जरूर, मैं आपको आगे की वीडियो में आपको इसको यूज करके दिखाऊंगी। लाइटिंग लिक्विड इल्यूमिनेटर दैट गिव्स स्किन अ रिफ्रेश्ड ग्लो एंड ब्यूटीफुल हाईलाइट। मतलब ये हाईलाइट का ही काम करता है, बट आप जैसे हाईलाइटर मेकअप होने के बाद लगाते हैं इसको बेस में, मेरे को लगता है मिक्स करके या बेस लगाने के पहले आप इसको लगा सकते हैं, तो आपके फेस पे एक सटल ग्लो देगा ये। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लगाऊंगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये था, और इसका एमआरपी भी शायद 249 ही है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी गाइस। थर्टी फाइव ग्राम इसकी नेट क्वांटिटी है, और मे बी ये 249 का ही है, मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। और ये मैंने दो मंगवाए हैं, क्योंकि एक मुझे चाहिए था, एक मेरी फ्रेंड को चाहिए था, तो एक उसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट, इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, यूं कह लीजिए तहे दिल से वेट कर रही थी। ये है मेरा बिल, मुझे बहुत टाइम से एक अच्छी आई शेडो पैलेट चाहिए थी, जो फाइनली मैंने मंगवा ली। तो गाइस ये है मेकअप रेवोल्यूशन की, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन, तामी एक्स रेवोल्यूशन। तो इसके आपने देखे होंगे गाइस, बहुत मतलब इसको बहुत सारे ब्लॉगर्स ने अपने उसमें मेकअप क्रिएट करते समय यूज किया है, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैंने देखी थी। मुझे तब से ही एक कलरफुल पैलेट की मतलब था कि मुझे एक कलरफुल पैलेट चाहिए जिसमें एकदम डार्क शेड्स हो। इसकी भी पैकेजिंग मैंने ओपन नहीं की है, तो आप भी अगर लेना चाहते होंगे कोई बहुत अच्छी पैलेट, तो मैं आपको इसके स्वाचेस दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही मंगवाया है, मेरे पास ऐसी कोई भी पैलेट नहीं थी अभी तक, और बहुत टाइम से मुझे लेनी थी। पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी, तत्ता भी ठीक है।
कलर्स जैसे दिखाए थे एज इट इज वैसे ही हैं, एंड मैं आपको इनकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ गाइस, और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में इससे मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। तो ये इसके शेड्स हैं, और मेरे को बहुत टाइम से ऐसी किट चाहिए थी जिसमें डार्क शेड हो, एकदम डिफरेंट टाइप के मैं मेकअप आई लुक आपके साथ क्रिएट कर सकूं। तो सबसे पहले मेरे तो पूरे हाथ में मेकअप है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस देखिए, आप देख रही है ये वाली जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये ग्लिटर आई शेडोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको इसमें ग्लिटर शेड्स मिल जाते हैं, बाकी के आपको मैट शेड्स मिलेंगे। एक मैं आपको ये वाला शेड दिखा देती हूँ, ग्रीन। गाइस कैमरे में शायद आपको उतना नहीं दिख रहा है, वैसे बाकी मेरे हाथ पे काफी पिगमेंटेशन है इसमें, और मैं अभी आपको ग्लिटर शेड्स दिखा देती हूँ। तो गाइस मुझे तो ये पैलेट बहुत पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं ऐसा पैलेट लेना तो आप ले सकते हैं। और हाँ, इसको मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि अभी गाइस ये ना बहुत ही मुझे डिस्काउंट पे मिल गया, क्योंकि इसकी एमआरपी है 1995, बट मुझे डिस्काउंट के बाद ये मुझे 1365 का मिल गया है। तो मैंने बोला क्यों मैं इस मौके को तो बिल्कुल नहीं गंवाऊंगी, मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर कर दिया गाइस। और गाइस ये वो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगवाए पर्पल सेल में, और अभी भी शायद उस पर अभी भी डिस्काउंट है, तो अब अगर आप इसमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप जाके ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर आपकी विश लिस्ट में कोई प्रोडक्ट इनमें से रहा होगा तो आपको उस क्या होगा कि वो कैसा है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।